77 वर्षीय बुजुर्ग लगा रहा न्याय की गुहार, नहीं मिल रहा न्याय। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने की आदेश दे रहे हैं, मगर नीचे बैठे अधिकारियों का कहर इस कदर है कि तारीख पर तारीख मिल रही है लेकिन बुजुर्ग को न्याय नहीं मिल रहा है। आपको बता दें, पूरा मामला बहराइच के कैसरगंज तहसील के ग्राम सभा जरमुवा के ननिहाल में पाई जमीन का बुजुर्ग नहीं उठा पा रहा है लाभ। 1992 से बुजुर्ग न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। आखिरकार भाजपा सरकार में न्याय मिलता है या नहीं, बाकी का मामला हमारे संवाददाता प्रशांत अवस्थी जी के साथ सुनिए। हमारी फोन लाइन पर मौजूद है इस वक्त, आइए जानते हैं पूरा मामला। जी प्रशांत जी, बताइए क्या है पूरा मामला। वैशाली जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मामला गोंडा जनपद के रहने वाले ननिहाल में जमीन पाई थी अपनी। 77 वर्षीय बुजुर्ग जो है न्याय की गुहार लगा रहा जी। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए वादे कर रहे हैं, मगर पूरी तरीके से बहराइच जनपद के कैसरगंज तहसील का के ग्राम सभा जरमुआ के ननिहाल में पाई जमीन पर नहीं काबिज हो पा रहा बुजुर्ग जी। तो बुजुर्ग का कहना है कि सन 1992 से उनकी जमीन के लिए भटक रहे हैं, मगर आखिरकार अधिकारी नहीं ले रहे संज्ञान जी। मामला जब बढ़ता जाता है मगर अधिकारी इससे नहीं संज्ञान लेते, तो आज जब गोंडा जनपद की कमिश्नर कोर्ट में आए तो अभी तक उनको तारीख पर तारीख मिलती नजर आ रही है, मगर कोई कार्रवाई की सुनवाई नहीं हो रही है। अभी सुनवाई नहीं हुई है कहीं पर भी जी। जी धन्यवाद प्रशांत अवस्थी जी। नहीं है, मगर कोई कार्रवाई की सुनवाई नहीं हो रही है। अभी सुनवाई नहीं हुई है कहीं पर भी जी। क्या नाम है आपका? हरिदास सिंह। कहाँ रहते हैं आप? जरहुआ। अच्छा, यहाँ पर जो आपका यहाँ गोंडा को तो जब आया था कमिश्नरेट ऑफिस, क्या किस मामले में आए थे आप? ये ननिहाल की जमीन, महादेव सिंह की जमीन हाँ। हमारे खिलाफ पार्टी वालों ने अपने नाम में करवाई हाँ। उसी में मुकदमा हमने डाला। तो आपको अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है? नहीं, नहीं। कब से आप भटक रहे हैं? 1992 से। 1992 से आप ऐसे भटक रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहते हैं आप? चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी का न्याय हो। ठीक।